Welcome to the Professional Academy. I am Muhammad Qasim. Students, Urdu Khan Academy ki taraf se aapko khushamdeed kaha jata hai. Aaj ka jo topic hai wo hai mole. Chemistry ke students ko bahut zyada confusing hai ye idea. What is the mole? Mole ek number hai. Kis cheez ka number hai? Atoms ka number hai, ions ka number hai, molecules ka number hai, elements ka number hai. Chemistry ke students ko ye baat samajhna bahut mushkil hai ki ye ek mole kya concept hai. Jo concept Khan Academy ne apni videos mein diya hai, hum usko translate karke aapko sikhayenge. Mole is a value 6.02 multiplied by 10 raised to the power 23 particles. ये जो आपके सामने डेफिनेशंस लिखी हुई है ये वाली, द मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम दैट कंटेन एज मेनी एलिमेंट आइडेंटिटीज एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एज देयर आर एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12. ये आपके पास डेफिनेशन विकिपीडिया से ली गई है. इस डेफिनेशन के अंदर ये बात समझाई गई है कि मोल किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी सिस्टम का, किसी भी चीज़ का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी आयन का वो पार्ट है जो कि इस वैल्यू के बराबर होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10 इज़ 23, जिसे हम एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं. इसे हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं. एवोगैड्रोस नंबर जितने पार्टिकल्स अगर हों तो आपके पास एक मोल बनता है. ठीक है, अगर आपके पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23 एटम्स हों, आयंस हों, तो आपके पास क्या बनता है? मोल बनता है. जैसे 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम के अंदर आपके पास 1 मोल होगा. मैं अब यहाँ पे इसको राइट करता हूँ, 1 मोल ऑफ द कार्बन 12. कार्बन 12 का जो 1 मोल है ये आपके पास क्या होगा? 1 मोल एटम का 12 ग्राम. अब 12 ग्राम कैसे? ये इसका एटॉमिक मास है. ठीक है, अब एटॉमिक मास हमें बताता है कि एक मोल में इतने ग्राम है. दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द मोल एंड द ग्राम्स. एक मोल आपके पास जो कार्बन एटम है इसमें इतने ग्राम्स हैं. अब नेक्स्ट देखिए, मैंने यहाँ पे काट के एक और चीज़ लिख ली. क्या आपका 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स जो हैं, इतने पार्टिकल्स का मास कितना होगा? यानी 1 मोल का मीन है इतने पार्टिकल्स, और इतने पार्टिकल का मास हमारे पास ये होगा. जो हमें मोल की डेफिनेशन है ये एक्सप्लेन करती है इतने पार्टिकल्स को, कि इतने पार्टिकल्स में इतने कार्बन एटम मौजूद होंगे. ठीक है, और उन कार्बन एटम्स, कार्बन 12 जो है उसका मास 12 ग्राम आपके पास होगा. ठीक हो गया. अब आपके पास जो एटॉमिक मास है वो आपके पास 12 है, यानी 12 AMU. 12 AMU का क्या मतलब है? A फॉर एटॉमिक, M फॉर मास, U फॉर यूनिट. 12 एटॉमिक मास यूनिट्स पार्ट्स पाए जाते हैं ऑफ द कार्बन इन द 12 कार्बन, 12 ग्राम. नेक्स्ट आपके पास एक ग्राम के अंदर जो एग्जांपल है कि आपके पास 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ AMU. इसका क्या मतलब है कि एक AMU के अंदर एटॉमिक मास यूनिट में कि एक मोल में एक ग्राम मौजूद होता है. सेकंड इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि एक ग्राम इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 23 पार्टिकल्स के बराबर होता है. ठीक है, यानी इतने AMU का एक ग्राम होता है, और ये बराबर किसके होता है? एक मोल के. मीन्स एक मोल में एक इतने पार्टिकल्स होंगे और साथ इतने ग्राम्स होंगे आपके पास. ठीक हो गया. ये 1 ग्राम आपको डिस्कस करके बता रहा है कि 1 ग्राम कितने, किसके इक्वल है? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स का. ये हमने कार्बन की एग्जांपल रखी. इसी तरह हम सिलिकॉन की भी ले सकते हैं, वाटर की भी ले सकते हैं. एक बात याद रखिएगा आप, कि आपके पास जो कार्बन एटम है ये एटम के ले सकते हैं, मॉलिक्यूल की भी ले सकते हैं, इसी तरह आयंस की भी ली जा सकती हैं. ठीक हो गया. नेक्स्ट आपके पास एक बात आपको पता चल गई है
के ग्राम्स और एएमयूज़ में रिलेशंस क्या होते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये दो लाइंस लगाई गई हैं, इनमें एक मोल है, ठीक है। एक मोल के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23 हैं। अगर आपके पास एक एप्पल है, ये एग्जांपल दी जा रही है एप्पल की, एक एप्पल के अंदर जो एक एटम है, उस एटम में और मोल में क्या रिलेशन है कि मोल 6.02 मल्टीप्लाई 10^23 एटम्स का मजमू है और एक एटम की हैसियत क्या है उसके सामने। यानी इस तरह के एक एक एटम्स को मिला के एक एप्पल के अंदर कितने ज़्यादा मोल्स होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक गिलास वाटर के अंदर 10 मोल्स करीबन क्या मौजूद होता है, पानी मौजूद होता है, ठीक हो गया, 10 मोल मौजूद होता है। अब एक एटम ये सेब का है, इस सेब के मुकाबले में ये ज़मीन कितनी बड़ी लग रही है, यानी सेब कितना बड़ा लग रहा है, एक एटम के मुकाबले में सेब कितना बड़ा है, ठीक है। इसी तरह एक इंसान और एक ज़मीन के साइज़ में कितना बड़ा फर्क है। तो इंसान अगर एक एटम और ज़मीन पूरा एक मोल हो, ये आपको डिफरेंस इसका पता चल जाएगा। ये आपके पास एक ग्राम एटम में भी वन मोल दिखाया गया। अब ये देखें, ये एग्जांपल है एलुमिनियम। एलुमिनियम का अगर हमारे पास वन मोल होगा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिए गए हैं, दिस इज़ द एटॉमिक नंबर, दिस इज़ द एटॉमिक मास। हम एटॉमिक नंबर को डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है। तो आपके पास 13 AMU ये लिखा जा रहा है कि आपने 13 AMU का मतलब क्या है, एटॉमिक मास यूनिट अगर मैं 13 लूँ तो इसमें इतने पार्टिकल्स होंगे। लेकिन एक बात आपने याद रखनी, ऐसा आपने नहीं करना, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये एटॉमिक नंबर है, आपने किससे लेना, एटॉमिक मास से, ठीक है। ये आपका क्रॉस हो जाएगा, आपने किससे लेना, एटॉमिक मास से। अब एटॉमिक मास आपको क्या बताता है कि कितना आपके पास कितना आपका एटॉमिक वेट है। वेट आपको बताता है कितने नंबर ऑफ मोल होंगे। वन मोल इन द एल्यूमिनियम 27 एटॉमिक मास इज इक्वल टू 27 ग्राम्स, इसके बराबर है ग्राम्स के बराबर, क्योंकि एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम्स में लिखें तो एक ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। अब नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट आपके पास है आयरन। आयरन का ये एटॉमिक मास है 55.85, तो आयरन के 55.85 ग्राम्स बराबर हो गए वन मोल के, यानी विच इज़ इक्वल टू 56। वन मोल ऑफ फेरिक इज़ इक्वल टू वन मोल के बराबर होगा, ठीक है, वन मोल। आयरन अपना एटॉमिक मास 56 रखता है क्योंकि 56 ग्राम्स है। अगर हम इस किसी भी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम्स में शो कर दें तो वो नंबर ऑफ मोल्स बन जाते हैं। और दूसरी बात कि इन ग्राम्स में जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की तादाद होगी वो वही होगी जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10^23। 56 इज ऑनली द मास बट इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द एटम्स। हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स, यू कैन टेक एनी ऑफ द एटम्स लाइक द सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन, किसी भी एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आंसर आएगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मल्टीप्लाई करो। अगर आपके पास 2 मोल्स दिए गए हैं तो 2 मोल से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 मोल का मास है 28, आप इसको मल्टीप्लाई करें 2 से तो टोटल आपके पास आंसर होगा जो कि इक्वल होगा 2 एटम्स के दरमियान, द मास ऑफ द 2 एटम्स। लाइक 4 मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस लाइक द ऑक्सीजन, 16 आपके पास एटॉमिक मास है, 8 एटॉमिक नंबर है, 16 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, देन देयर विल बी द आंसर, और आंसर आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ द ग्राम्स। इन ग्राम्स को आप 6.02 मल्टीप्लाई 10^23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन देयर विल बी द आंसर, और आंसर किस चीज़ का होगा, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स का। ये आपके पास एक जर्नल सा कॉन्सेप्ट था जिसकी हम समरी और एनिमेशन आपको देंगे। इस समरी में आपको ये बात बताई गई जाएगी कि सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी एटम के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23 पार्टिकल्स हों तो आपके पास वन मोल बनता है, और वन मोल बराबर होता है उसके एटॉमिक मास के, एटॉमिक मास को ग्राम में शो करके आपका मोल आता है।